अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज है जुम्मे का दिन और आपको तहे दिल से जुम्मा मुबारक हो। इसी के साथ दोस्तों आज अजमेर शरीफ जो कि दरगाह शरीफ है अजमेर में, वह आपको लेके चलते हैं और तमाम मंजर जुम्मे के दिन जो बना हुआ है दरगाह शरीफ में वो बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक जरूर बने रहे वीडियो में। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हर एक मंजर आने वाला आपको सही समय पर देखने को मिलता रहे। और तमाम मंजर कैसा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और तमाम दोस्तों में वीडियो को शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये आ गए हैं जुम्मे के दिन दोस्तों निज़ाम गेट की ओर, और निज़ाम गेट से दरगाह शरीफ में एंटर जाते हुए देख सकते हैं काफ़ी माहौल, शानदार माहौल बना हुआ है। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन आपको दरगाह शरीफ लेके आए हैं। ये निज़ाम गेट जो कि पहला गेट है दरगाह शरीफ का, अंदर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं निज़ाम गेट की ओर का मंजर देख लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जुम्मे के दिन का माहौल देखिए, सुभान अल्लाह क्या भीड़ का आलम बना हुआ है। ये निज़ाम गेट के अंदर जा चुके हैं और आगे आने वाला है अब दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। देख सकते हैं बुलंद दरवाजे के आसपास का माहौल देख लीजिए दोस्तों, ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ, क्या भीड़ का आलम है दोस्तों। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या माहौल बना हुआ है दोस्तों, क्या भीड़ का आलम है। देख सकते हैं दोस्तों ये सामने है अकबरी मस्जिद, अकबरी मस्जिद से ये पीछे का नज़ारा देखिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या माहौल बना हुआ है दोस्तों। तो अकबरी मस्जिद के पास में दो नंबर गेट जाता है, ये है दो नंबर गेट, और इसी के आगे चल रहे हैं बुलंद दरवाजे से नीचे की ओर। ये आगे है छोटी देख और बड़ी देख, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है दोस्तों। आज जुम्मे का दिन है और तहे दिल से आपको जुम्मा मुबारक हो। और उसी के साथ दोस्तों जुम्मे के दिन आपको दरगाह शरीफ लेके आए हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल और भीड़ का आलम है। ये है गुम्बद शरीफ, ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। ये है छोटी देख, ये है बड़ी देख, देख लीजिए दोस्तों तमाम मंजर, क्या भीड़ का आलम बना हुआ है। ये छोटी देख है, ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। उसी के पास में दोस्तों सामने है गुम्बद ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का गुम्बद शरीफ, और ऊपर है तारागढ़। देख सकते हैं ये छोटी देख है, छोटी देख के आसपास का मंजर देख लीजिए। ये सामने है बड़ी देख, मंजर देख लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जुम्मे के दिन जो माहौल बना हुआ है नवाज से पहले का वो पूरा बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे हर एक मंजर आने वाला आपको सही समय पर देखने को मिलता रहे। और सबसे पहले ये वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और तमाम दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कैसी लगी वीडियो। देख सकते हैं ये आगे और बुलंद दरवाजे से आगे आ चुके हैं, गेट नंबर 3 लंगर खाने का है ये, देख सकते हैं। और इसी के आसपास का मंजर आपको दिखा रहे हैं, सामने है वजू खाना, और वजू खाने के पास का मंजर देख लीजिए दोस्तों। ये सामने बुलंद दरवाज़ा, और बुलंद दरवाजे के पास का मंजर देख लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ है। आज काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और नवाज से पहले क्या भीड़ का आलम बना रहता है ये देख सकते हैं। और नवाज के बाद तो अंदर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ हो जाती है दोस्तों। काफ़ी अच्छी चहल पहल है ये दोस्तों, देख सकते हैं ये आ चुके हैं, आता है नूर की ओर। देख सकते हैं दोस्तों, ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। काफ़ी मेहमान कतार के माध्यम से अंदर ज़ियारत के लिए ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर जा रहे हैं, आप भी ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ है आज। काफ़ी अच्छी चहल पहल है और भीड़ का आलम बना हुआ है। आज जुम्मे का दिन है, फ्राइडे है, आज 15 तारीख हो चुकी है सेप्टेम्बर की। और आपको ये दिखा रहे हैं ये कव्वाली की महफिल भी छिड़ी हुई है, आता है नूर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का जो बड़ा गेट है ज़ियारत के लिए। देख सकते हैं लाइन कतार लगी हुई है और काफ़ी मेहमान ज़ियारत के लिए जा रहे हैं कतार के माध्यम से, लाइन के माध्यम से। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या माहौल बना हुआ है। ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। ये पास में है, नीचे देख सकते हैं कव्वाली की महफिल छिड़ी हुई है। देख सकते हैं काफ़ी मेहमान बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, और कव्वाली का माहौल जो बना हुआ है उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। देख सकते हैं कोई फ़ोटो खींच रहा है, ये देख सकते हैं मेहमान बैठे हुए हैं। वो बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ रहता है, कव्वाली की महफिल भी होती है और काफ़ी सुबह का जो मंजर रहता है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह,
बहुत ही बढ़िया मंजर रहता है दोस्तों, देख सकते हैं आप, काफ़ी चहल पहल और शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। आज देख सकते हैं आता है नूर जो कि बड़ा गेट है, ये आ चुके हैं पायती गेट की ओर। देख सकते हैं पायती गेट की ओर जो कवाली की महफिल छिड़ती है, वहाँ का माहौल देख लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ है। मेरे साथ जियारत कर लीजिए दोस्तों, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये सब कवाल बैठे हैं और कवाली की महफिल यहाँ पर छिड़ती है, सुबह भी दोपहर को भी। देख सकते हैं शाम का जो मंजर है वो भी आपको कभी कभार मगरिब के समय का बताते हैं वीडियो में, अभी दिन का बता रहे हैं। ये दोस्तों देख सकते हैं पायती गेट से अंदर मजार शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की जियारत करा रहे हैं, आपको जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। काफ़ी ये मेहमान आ रहे हैं जियारत करके। देख सकते हैं ये तीन नंबर गेट की ओर का मंजर बता रहे हैं आपको, ये ऊपर है शाहजहानी मस्जिद, नीचे की ओर तीन नंबर जो कि आस्ताना शरीफ का तीन नंबर गेट है, वहाँ से आपको माहौल दिखा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों नीचे कवाली की महफिल हो रही है और काफ़ी भीड़ का आलम बना हुआ है दोस्तों। आपके लिए मंजर पूरा बताने की कोशिश करेंगे और देख सकते हैं आपके लिए रोज़ माहौल क्या बना हुआ रहता है दरगाह शरीफ में बताते हैं। जैसा भी हो, भीड़ का आलम हो, कैसा भी हो, आप बताते ज़रूर है आपको। देख सकते हैं ऊपर गुंबद शरीफ देख लीजिए, ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों शाहजहानी मस्जिद के नीचे की ओर जो कि आस्ताना शरीफ का तीन नंबर गेट है, वहाँ के चेल पेल देखिए दोस्तों, काफ़ी मेहमानों की आवाज़ें लगी हुई है क्योंकि आज है जुम्मा और जुम्मे के दिन तमाम भीड़ का आलम बना हुआ रहता। ऊपर है गुंबद शरीफ, जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ है, क्या भीड़ का आलम है, देख सकते हैं आप दोस्तों, काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है दोस्तों। देख सकते हैं ये तीन नंबर गेट जो कि आस्ताना शरीफ का, ये जा रहे मेहमान फूल पेश कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के। ऊपर है गुंबद शरीफ, ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही नज़दीक से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। ये जा रहे हैं जो मेहमान सामने खड़े हैं, ये कतार के लाइन के माध्यम से अंदर फूल पेश करने जा रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के, तो आप भी जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों कैसी भीड़ है, खचाखच भीड़ हो रखी है दोस्तों। आज जुम्मे का दिन है और देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है आज। तीन नंबर गेट है, तीन नंबर गेट की ओर से आपको अंदर जो मजार शरीफ है ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की, वहाँ की आपको जियारत करा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी मेहमान जा रहे हैं, फूल पेश कर रहे हैं और भीड़ देखिए दोस्तों, ऐसी भीड़ है, ये अंदर आपको नज़दीक से और बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। जियारत कर लीजिए, दुआएँ मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है दोस्तों। देख सकते हैं क्या भीड़ का आलम है दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जियारत कर लीजिए दोस्तों, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या माहौल बना हुआ है आज। ये जो खड़े हैं मेहमान वो बिल्कुल मजार शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की मजार के पास में ही खड़े हैं दोस्तों, और नज़दीक से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप भी अंदर का माहौल देख सके, माहौल जान सके। आज जुम्मे के दिन दरगाह शरीफ का क्या माहौल है देख सकते हैं दोस्तों। मेरे साथ जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या माहौल बना हुआ है आज। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है। ये देख सकते हैं तीन नंबर गेट है आस्ताना शरीफ का और काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है दोस्तों। आज देख सकते हैं ये आ चुके हैं अब आगे की ओर जहाँ पे जन्नती दरवाज़ा है, और जन्नती दरवाजे के आसपास का मंजर देख लीजिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या शानदार माहौल बना हुआ है आज। मेरे साथ आइए और जियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, देख लीजिए आज क्या भीड़ का आलम बना हुआ है, क्या चहल पहल बनी हुई है देख लीजिए। ये लाल धागे बंधे हुए सब मन्नत के हैं, पर्ची बंधी हुई मन्नत की है, ताले जो बांधे जाते हैं वो भी मन्नत के हैं दोस्तों। और आज जुम्मे के दिन देख सकते हैं क्या माहौल बना हुआ है, काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है दोस्तों। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या माहौल बना हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है। मेरे साथ आइए और ज़ियारत कर लीजिए दोस्तों। ये देख सकते हैं आपको जन्नती दरवाजे की ओर का मंजर बताने की कोशिश कर रहे हैं,
काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं भीड़ का आलम है ये दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया माहौल बना हुआ है दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा आगे आ चुके हैं जन्नती दरवाजे से, और जन्नती दरवाजे के पास में देख लीजिए दोस्तों आता है ये शाहजहानी मस्जिद। तो शाहजहानी मस्जिद का अंदर का माहौल देख लीजिए, सुभानअल्लाह माशाल्लाह क्या माहौल बना हुआ है आज दोस्तों। कल हो रहे थे सुबह के टाइम बदल, बाकी अभी धूप सुबह से ही खिली खिली है। ये देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है आज शाहजहानी मस्जिद की, और देख सकते हैं तमाम मंजर आज माहौल आपको बता रहे हैं जुम्मे के दिन का, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है। सुभानअल्लाह माशाल्लाह क्या माहौल बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ये है शाहजहानी मस्जिद, और शाहजहानी मस्जिद में नवाज से पहले का जो मंजर रहता है देख लीजिए, काफ़ी मेहमान बैठे हुए हैं और नवाज होने को है अभी कुछ समय बाद, तो उन्होंने पहले ही जगह अपनी रख रखी है। ये गुंबद शरीफ है ऊपर, देख लीजिए ज़ियारत कर लीजिए, दुआ मांग लीजिए दोस्तों। उन्होंने पहले ही जगह अपनी रख रखी है कि हमें यहाँ बैठ के नवाज अदा करनी है। कुछ अंदर बैठे हैं शाहजहानी मस्जिद में और कुछ बाहर की साइड बैठे हैं, देख सकते हैं काफ़ी मेहमान आज। लीजिए दोस्तों तीन नंबर गेट जो कि आस्थाना शरीफ का तीन नंबर गेट है, आइए मेरे साथ ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभानअल्लाह माशाल्लाह क्या माहौल बना हुआ है, आज जुम्मे का दिन है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है। ये आपको जो माहौल बता रहे हैं शाहजहानी मस्जिद से नीचे आस्थाना शरीफ जो कि तीन नंबर गेट है वहाँ का आपको माहौल दिखा रहे हैं दोस्तों। मेरे साथ ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभानअल्लाह माशाल्लाह क्या माहौल बना हुआ आज, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है, आइए मेरे साथ ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए दोस्तों। सुभानअल्लाह माशाल्लाह क्या माहौल बना हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल है, और काफ़ी मेहमान आ रहे हैं ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, भीड़ का आलम तमाम बना हुआ है। जुम्मे के दिन नवाज से पहले का क्या माहौल है वो बता रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, देख सकते हैं आज है जुम्मे का दिन, 15 तारीख हो चुका है, और देख लीजिए दोस्तों ज़ियारत कर लीजिए, आप भी दुआएं मांग लीजिए। ये तीन नंबर गेट है आस्थाना शरीफ का, अभी आपको मजार शरीफ की बहुत नज़दीक से नज़ारा दिखाया था, और ये देख सकते हैं इसके आगे है जन्नती दरवाज़ा, और जन्नती दरवाजे से पहले आता है तीन नंबर गेट जो कि आस्थाना शरीफ का तीन नंबर गेट है, वहाँ से भी काफ़ी मेहमान चद्दर पेश करने जाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की मज़ार पर, और फूल पेश भी होते हैं, देख सकते हैं जा रहे हैं काफ़ी मेहमान फूल पेश करने चद्दर चढ़ाने, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है दोस्तों। सुभानअल्लाह माशाल्लाह क्या शानदार माहौल बना हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है, देख सकते हैं सुभानअल्लाह माशाल्लाह, आइए मेरे साथ ज़ियारत कर लीजिए, दुआएं मांग लीजिए, तमाम मंजर देख लीजिए दोस्तों। आज आपको ये जुम्मे के दिन का माहौल बता रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी चहल पहल बनी हुई है, देख सकते हैं बहुत ही शानदार माहौल बना हुआ है। ये मेहमान खड़े हैं ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, फूल की दुकानें हैं, काफ़ी फूलों की दुकानें हैं, फूल पेश करें चद्दर चढ़ाए, जिनकी भी मन्नत हो माशाल्लाह पूरी हो। देख सकते हैं ये है नवाज से पहले का मंजर, ये बुक हो चुकी है दोस्तों जगह, नवाज से पहले का मंजर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। ऐसे ही तमाम मंजर आपको इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर देखने को मिलता रहेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।